हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। और आज डे ट्यूसडे है, मैं आपके खाने की तैयारी कर रही हूँ। आजकल तो बहुत ही मतलब चेंज हो गया हमारा रूटीन, पहले जैसे इतने सालों से था ना, जब से गुप्ता जी ट्रेनिंग सेंटर में थे और जब से आए हैं यहाँ सेफ्टी में, सारा रूटीन ही गड़बड़ हो गया है। कल तो देखो 8 बजे आए थे, जब मैंने पाव भाजी बनाई थी, वो सामान लेके आए थे मार्केट से 8 बजे, उसके बाद नाइट ड्यूटी थी उनकी, तो रात में 3 बजे गए, फिर सुबह 8 बजे आए। डे भी थी सुबह, मतलब गए थे तब भी रात के 8 बजे आए थे, और उसके बाद कल जब रात में 3 बजे गए तो सुबह 8 बजे आए, फिर नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के नाश्ता किया, 10 साढ़े 10 पे निकल गए, फिर वही 2:30 बजे जैसे लंच टाइम पे आते हैं वैसे आए, शुभम स्कूल से आया, फिर खाना हुआ और फिर ड्यूटी के लिए चले गए, और अभी 7 बजने वाले हैं तो अभी तक आए नहीं, वही लगता है 7:30 पौने 8 तक ही आएंगे। और शुभम ट्यूशन से आ जाता है लेकिन आज अभी आया नहीं है, आने में ही होगा, रास्ते पे होगा। बिजली कड़क रही है, परसों के दिन हल्की सी बारिश हुई थी, कल भी हल्की बारिश हुई थी, मतलब हल्की फुल्की दिखाई दे कि हाँ बारिश भी हो रही है, ऐसा वाला सीन होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि लगातार झमझम चल ही रहा हो। और मौसम ये देखो कितना सुंदर, ऐसे ब्लू ब्लू आकाश, बहुत सुंदर। अभी तो मैं शाम की चाय बना करके ना सीढ़ी पे जाके बैठ गई थी, यहाँ हमारे घर दरवाजे के बाहर जो सीढ़ियाँ है ना, वहाँ पर सीढ़ी में बैठो तो सामने से दिख रहा होता है ना आकाश, अच्छा लगता है देखने में बाहर का मौसम। और रात के खाने में बनेगा क्या बनेगा, चलो शुरू करते हैं अपना आज का काम। चीरी के बच्चों की चहचहाहट, ये देखो मैंने यहाँ पर ये छोटा सा टेबल रखा है और यहाँ इसमें मनी प्लांट लगाया है और इसको यहाँ से ऐसे बांध दिया है। ये वाला जो मैंने बाद में लगाया था ना उसको यहाँ रख दिया, और जो पहले लगाया था रेड वाले पॉट में उसे यहाँ रख दिया। अभी मैंने चने की दाल में थोड़ा सा पानी डाल के धो के रख दिया था, क्योंकि मैंने चना दाल लौकी बनानी है, और थोड़े से चावल धो के रख दिया। भिगो के रखने से चने की दाल जल्दी गल जाती है, और ये है आधी लौकी, तो इससे मैं छील के काट ले रही हूँ। लौकी के साथ तुअर दाल भी बनाते हैं, चना दाल भी अच्छी लगती है। अभी देखते देखते ही 7 बजने लग रहे हैं घड़ी में, तो मुझे शुभम की चिंता 6:30 से होने लगती है, क्योंकि 6:30 हमारी घड़ी के शुभम घर के अंदर घुस जाता है, मतलब आ जाता है ट्यूशन से, और फिर मैं अपने काम में शुरू रहती हूँ, और वो अभी 7 बजे नहीं आया तो मुझे टेंशन। गुप्ता जी का तो खैर ये है कि ड्यूटी में है तो उन्हें पता है कि 7:30 8 बजे तक आ जाएंगे, इसका तो फिक्स टाइम है। तो मैंने अभी कॉल किया उसके ट्यूशन में, उनके सर ने बोला कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर क्लास के लिए बच्चे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देर भी हो जाए, अगर वो रोज टाइम पे आ रहे होते हैं, क्योंकि साइकिल से आना, और आजकल तो बारिश का जो सीजन है, बारिश में रोड भी गीली रहती है ना, बड़ी गाड़ियां, मतलब चिंता बैठ जाती है। जो मम्मियां लोग होती है ना वो बाहर नहीं आ सकती, घड़ी की नोक से बात, लड़के लड़की से कोई मतलब नहीं है, बच्चे टाइम से घर अगर नहीं आए तो चिंता होने लगती है। मतलब अभी भी मुझे लगता है कि कितना हमने उसने 15-20 मिनट का जो अंतर हुआ ना 6:30 के बाद से, तब से राह देखनी शुरू हो गई थी कि अब आएगा जो अब आएगा, नहीं आया तो बस रहा ही नहीं गया। अकेले में चिंता कितनी रहती है ना, जिम्मेदारी। और अब जब शुभम ट्यूशन जाता है ना 4 बजे, कहाँ तो पहले मैं 4 बजे चाय पिया करती थी, अब वही होता है दोपहर में स्कूल से आया 2:30 बजे खाना वाना हुआ कि फिर खाना खाने के बाद लगता है थोड़ी देर आराम करो, लेकिन उस समय तक आराम नहीं हो पाता है, इसको जाना होता है तो लगा रहता है दिमाग में कि जाएगा, दरवाजा बंद करना है, ये है वो है, वो भी जा रहा है कुछ ना कुछ, तो जब वो जाता है तो मैं सो जाती हूँ। आजकल तो मतलब जैसे नहीं, पहले सब मुझे कहते थे तुम आराम किया करो थोड़ा, अब मुझे आदत लग गई आराम करने की, मतलब 4 बजे फिर मैं लेटती हूँ, फिर वही 5:30 5 बजे उठी, फिर चाय वाय पिया, उसके बाद आराम से रात के शॉपिंग खाना काम जो भी है मतलब करना है, क्योंकि सुबह तो पूरा लगातार ही काम रहता है, सुबह बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता मेरे को, और सुबह जल्दी भी उठना होता है, शुभम का टिफिन, स्कूल, गुप्ता जी का भी शेड्यूल, ऐसा आना जाना,
तो नींद तो थोड़ी सी फर्क पड़ता है ना, जब दोपहर में सोती हूँ मैं आवाज कर। ये सब हो गए तैयारी। कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के गरम करेंगे और इसमें डालेंगे जीरा और तेज पत्ता डाल दिया, लाल सूखी मिर्च, बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन अच्छा फ्राई हो जाए फिर ये हरी मिर्ची, प्याज और करी पत्ता सब एक साथ ही डाल दूंगी, क्योंकि अभी करी पत्ता बस डालो ना तो तेल बहुत उड़ता है। प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए फिर हम डालेंगे अदरक कद्दूकस किया हुआ। आप अदरक लहसुन का पेस्ट यदि यूज करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, मैं तो अक्सर ऐसे ही काट के और इसको अदरक को घिस के ही डाल देती हूँ। अब सूखे मसाले डाल रही हूँ तो मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और ये गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। और ये चारों रेगुलर सूखे मसालों के साथ डाला मैंने ये टमाटर और इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही डालेंगे ये कटी हुई लौकी, आधी थी ना लौकी, और ये चना दाल इसे भी डाल देंगे और हम नमक भी अभी डाल देंगे फिर सब एक साथ ही हम मिक्स कर लेंगे। और कुछ मिनट के लिए मसाले के साथ में सब्जियों को भून लेंगे, दाल सब्जी और मसाले। बहुत ज्यादा मसाले नहीं है लेकिन ये मसालेदार ही दाल रहेगी क्योंकि सब्जी और दाल मिक्स है ना, तो इसको कुछ मिनट पहले भून लिया है। और अब इसमें डाल लिया हमने पानी, पानी इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा चने की दाल रहती है ना इसलिए, लौकी भी है वैसे लौकी का भी पानी रहेगा। और अब इसको हम कवर कर देंगे। और ये मैंने आलू गोभी छोटा छोटा काट करके धो लिया है, आलू गोभी की सूखी फ्राई सब्जी बनाने वाली हूँ। और इस कास्ट आयरन कढ़ाई में बनाऊंगी मैं फ्राई आलू गोभी। इसके लिए मैंने तेल डाल के गरम किया, ये हमने मूंगफली का तेल गरम किया है और इसमें डालेंगे राई, जीरा और मेथी। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और साथ में डालेंगे थोड़ा सा हींग और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और ये आलू गोभी डाल देंगे, साथ में डालेंगे नमक। तो अभी मैं पहले नमक डाल करके ही गोभी को पकाऊंगी। अब नमक डाल करके मिक्स कर दूंगी। आलू गोभी फ्राई सूखी सब्जी बहुत पसंद है मुझे और एक कास्ट आयरन कढ़ाई में बनाने के बाद तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। लोहे की कढ़ाइयों में सब्जियों का टेस्ट और हेल्थ बढ़ जाता है। और इसे हम ढक देंगे, ढक करके कुछ मिनट पकने देंगे, आंच को धीमी भी कर दिया है। दाल में तो 3-4 सीटियां आ चुकी हैं, स्टीम पूरी निकलने के बाद खोलूंगी तो मैं इसे साइड में कर देती हूँ और सब्जी पक रही है तो मैं चावल लगा देती हूँ। और अब कुकर में डाला है मैंने घी 2-3 चम्मच और इसमें भी डाल लेंगे जीरा। जीरा फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे राइस। और अब इसमें डाल दिया ये भीगे हुए चावल, ये बासमती चावल है और मैंने जब दाल धुली थी ना उसी वक्त इसको भी धो के रख दिया था। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल और चावल को घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, कुछ मिनट भून लेंगे ना वो चिपकने लगता है कुकर में। तो जीरा पूरे में मिक्स हो गया, तो ऐसे मिक्स कर लिया पूरा जीरा घी, भून लिया ना चावल को, ऐसे चमकने लगते हैं चावल। और अब इसमें डालेंगे पानी, और इसे भी ढक। तो अभी इधर चावल पक रहे हैं, एक सीटी में चावल पक जाता है, यहाँ सब्जी खोल के देखेंगे। और सब्जी को एक बार
चेक कर लिया, आलू देखो कितनी जल्दी पक गया, नमक डाल के ढक दिया ना वो तुरंत आलू। अब इसमें डालेंगे टमाटर और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी और इसे ढक देंगे। ये मैंने रागी मंगवाया है, रागी, और मैं रागी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। कई बार कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि रागी रेसिपी शेयर करें, काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में रागी को नाचनी भी कहते हैं। बहुत बच्चे छोटे थे ना तब नाचनी का आटा एक आता था पैकेट में, उससे फिर बच्चों को खिलाने के लिए जो भी रेसिपी बनानी होती थी ना, नाचनी सब करके एक पैकेट आता था, तब मैंने मंगवाया था पिसा हुआ। ये मैंने ऐसे नाचनी मंगवाई है, मतलब कि रागी मंगवाया है, और ट्राई करूंगी मैं इसकी रेसिपी भी। अगर इसकी रोटी बनानी है तो इसका चक्की पे से पिसा करके पाउडर, मतलब आटा, फिर आप रोटी बना सकते हैं जैसे और रोटियां बनती हैं। लेकिन रोटी तो मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ अलग वैरायटी रेसिपी बनाऊंगी जिससे कि आसानी से खाई जा सके ना। पता नहीं अब रोटी ये लोग खाएंगे कि नहीं। देखने में ना राई, मोहरी जो होती है ना, मोहरी का दाना राई जैसा दिखता है। और खोल के देख रहे हैं, ऐसे करने से ना भाप में ही चावल जल्दी से पक जाता है पूरा, मतलब सॉफ्ट हो जाता है और मसाले जलते भी नहीं है, पक गए। और गरम गरम कढ़ाई तेल में पूरा मिक्स किया तो मसाले भी जल्दी से भुन जाते हैं, मतलब उनका कच्चापन तो रहता है नहीं है, पक जाते हैं वो भी। अब वो ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस खुला ही सब्जी को ऐसे कुछ देर पका लिया, आलू ऐसे लाल लाल से हो जाते हैं ना, अच्छे लगते हैं। और अब गैस बंद कर दिए और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिए, धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर। ये आलू गोभी की सब्जी पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। चावल की भी पूरी स्टीम निकल गई है और ये चावल एकदम खिला खिला बिखरा हुआ जीरा राइस आया। और अब दाल खोल के देखेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता बचा है, बिल्कुल जरा सा खत्म हुआ है अभी, इसलिए इसमें सिर्फ ऐसे छिड़का गया है हींग की तरह। आज धनिया पत्ता हींग जैसा डला है, हमेशा मैं कितना ज्यादा से डालती हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि खत्म हो रहा है, तो मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा था ना, अब कल मंगाऊंगी। और इसे मिक्स कर दिया, दाल हमारी तैयार। और चना दाल भी अच्छे से गल गई है, लौकी भी। और 8 बज गए हैं ना, अब गुप्ता जी भी ड्यूटी से आ गए हैं। और अब मैं रोटियां सेक रही हूँ, 8:15 हो रहे और रोटियों में घी लगा करके कैसरोल में रख दिया और यहाँ किचन क्लीनिंग कर ली। खाना बनाने के बाद सारे बर्तन सब एक हाथ ही साफ हो गए। और अब खीरा काट रही हूँ मैं,
सैलेड के लिए। और ये मैंने फ्रिज से निकाला है ठंडा ठंडा श्रीखंड। ये श्रीखंड मैंने घर पे बनाया है, और यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वीडियो आपको कल मैं रेसिपी इसकी शेयर करूंगी। मैंने शूट तो किया है तो मैं कल जरूर शेयर करूंगी। इतना बढ़िया जैसे पनीर कड़क होता है ना, वैसा ही श्रीखंड तैयार हुआ है। और ये खाने के साथ में आज हमारा स्पेशल है स्वीट श्रीखंड। देखो कितना परफेक्ट, मतलब इतना बढ़िया है ना कि इस श्रीखंड के बाद आपको बाजार से तो श्रीखंड लेने की जरूरत ही नहीं। शुभम को बहुत पसंद है श्रीखंड, लस्सी। हम तो कहीं ट्रेन में भी जा रहे होते हैं, कोई स्टेशन अच्छा आया ना, सांची वगैरह, या फिर शुभम को एक ही चीज लेनी होती है, क्या? श्रीखंड। इसको इसके साथ आप पूरी, पराठे, कुछ भी बनाए वो खाने के बाद मीठे के लिए तो है ही। ये थालियाँ और कुछ प्लेट्स जो मुझे हमेशा ऐसे प्लेटिंग करने के लिए चाहिए होती है ना, वो मैंने इधर की शेल्फ में रखी हुई है। शुभम खाना परोस रहे, आ जाओ बेटा। और ये तैयार हो गई हमारी डिनर थाली। और अब हमारा डिनर टाइम 8:50 हो रहे हैं। आज सब लोग खाने। आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी और गुप्ता जी की तो मैचिंग हो गई, ब्लू ब्लू, मैंने अभी ध्यान दिया।